पुत्री, जी तू अमन कार जी। से फोन करती रहती है ना? जी, दिन में 10-10 बार बात होती है मेरी। अला आप फिक्र ना करें, यहाँ सबकी बहुत तारीफ की है मैंने, और ये भी कहा है कि सब बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा, जी, और घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले वाले मुझे ज्यादा याद करते हैं। अला चंगा था। हाँ, अरे यार, यू गाइस डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं हूं ना। अरे सारे अरेंजमेंट्स हो गए। एक सेकंड होल्ड करें दादी, मैंने आपको अपना चार्जर दे रखा है। तुम लगे हुए थे उधर लगा पे। ओके हाँ हाँ हाँ, अरे जितने गेस्ट बुलाने बुलाओ, पूरी क्लास को इनवाइट करो, माहिर की बर्थडे यार, रेस्टोरेंट। अरे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 5-स्टार होटल में बुकिंग कराई है। हाँ हाँ, सबको बुला ले बुला ले बुला बुला ले, नो प्रॉब्लम। ओके बाय बाय। हर वक्त खर्चा खर्चा, बर्थडे पता नहीं किस पे एहसान किया पैदा हो गया। हेलो अम्मा जी, वेरी गुड न्यूज, मेरी मोना आ रही है। वो भी महीर की बर्थडे पार्टी में होगी। उसको मैं बता दूं टिश टॉश तैयारी करे। दादी, अब ये मोना हमारे घर में किस खुशी में एंट्री दे रही है? अरे पहन है उस दी, अपनी बाजी को मिलने आ रही है। और की अरे खुशफहमी है आपकी कि वो इनकी मोहब्बत में आ रही है? आप नहीं जानती, वो एक नंबर की ड्रामेबाज है। वो वैसे भी दादी, इस घर में आलतू फालतू लोग कम है, तो एक मोना भी आ जाएगी। आलतू फालतू, ये आलतू फालतू किसको कहा है? हाँ अब सुन रही है अम्मा जी, मुझे क्या कह रहे हैं? बस बहुत हो गया, अब भी मिलाए आप दबीर चाचू को कॉल, मैं भी उन्हें बताऊं उनका साहब ज्यादा अपने आप को पता नहीं कहाँ का महाराजा समझ रहा है। कैसे बात कर रहे हैं मेरे बारे में? रानिया पुत्री, तू गुस्सा थूक दे बस। नहीं अम्मा जी, आज तो दबीर चाचा से बात होकर रहेगी। तू क्यों खामोश खड़ा है? बोल सॉरी। मैं इसको सॉरी बोलूं? हाँ बोल, ये मेरे मैके की निशानी है और मेरे पायल। और आपके इकलौते भाई की इकलौती पोती है, घर का चश्मा चिराग है। हाँ। हमारे इस घर को रौनक बख्शने आई है और हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह रौनक बख्श रही है। अच्छा, अब समझ आई मुझे अम्मा जी, असल में तो ये जलते हैं मुझसे। माँ आपने इनको समझाया नहीं है, बताया नहीं है कि जलने वाले सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। ये तो मेरा दिल नरम है, मैं नहीं चाहती कि आपका पोता जलकर राख हो जाए। मैं दादी इससे चलूंगा। जी आप जलते हैं मुझसे, और अभी तो आपको पता ही नहीं है, एक बार मुझे वजीर आजम बन जाने दो फिर तो इनकी छुट्टी। ये वजीर आजम बनेगी, वजीर आजम। अगर ये वजीर आजम बन गई ना दादी, तो पूरी दुनिया हमें खुद ना खुद इमदाद देगी। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। खाना लग गया तो खाना खा ली। आओ गांजर, वो अगली बारी ना इतनी लंबी लंबी ना चोरी, वो आसास के टेट में और टेट उसका मरोड़ पैच। दादी वजीर आजम तो प्रोटोकॉल आ रहा है साइकिल में। पता चला किसी दिन तेज हवा चली और वजीर आजम ही उड़ गया। बस कर पुत्र, बीमार हो जाएगा।